अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्लास आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। वालेकुम सलाम। तो आज का टॉपिक देख रहे हैं आप सामने क्या है? रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल होती क्या है, क्यों? जी रिटेनिंग वॉल्स, जैसे मैं बता रहा था आपको, हमारा टॉपिक है रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स आप सामने देखें, आपके सामने है, लिखा हुआ है कि क्यों बनाई जाती हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड बैक मास ऑफ अर्थ और एनी लूज मटेरियल वेयर कंडीशंस मेक इट इम्पॉसिबल टू लेट दीज मासेस एज्यूम देयर नेचुरल शेप स्लोप। यानी इस मकसद के लिए बनाते हैं कि किसी मटेरियल को, ऐसे मटेरियल को आगे गिरने से रोकने के लिए जो अपने तौर पर अपनी नेचुरल तरीके से खड़ा ना रह सके। तो ये मटेरियल कोई भी हो सकता है, कोई मिट्टी का वॉल्यूम भी हो सकता है, पहाड़ से पत्थर जो गिरते रहते हैं वो भी हो सकते हैं, या इवन आप देखें पानी को रोकने के लिए भी जो चीज बनाई जाती है वो भी एक तरह की रिटेनिंग वॉल है। एक वाटर टैंक या स्विमिंग पूल की दीवारें भी रिटेनिंग वॉल होगी। एक डैम को भी हम रिटेनिंग वॉल ही कह सकते हैं, लेकिन वो पानी के लिए होती हैं। हमने यहाँ पर जिस चीज को, यहाँ पर जिस किस्म की रिटेनिंग वॉल को करना है डिस्कस, वो है जो अर्थवर्क को रिटेन करने के लिए है। अब ऐसे बता रहा था कि वो होते ये हैं कि यहाँ पर किसी वजह से मटेरियल अपनी नेचुरल स्लोप को मेंटेन ना कर सके। ये कहाँ होते हैं, कहाँ हो सकता है, ऐसी सिचुएशन पेश आ सकती है जहाँ पर हमें किसी जगह पर खुदाई की है, जी खुदाई करनी है कोई खास मकसद के लिए, और लेकिन हम एक खास पॉइंट से आगे तक किसी वजह से खुदाई नहीं कर सकते। मसलन आगे किसी और की प्रॉपर्टी आ जाती है, या जिस मकसद के लिए बनाई जा रही है, खुदाई की जा रही है, उसका जरूरत ही वहां तक है, लेकिन उसके आगे की सॉइल वो अपने तौर पर फिर भी गिरती आ रही है। तो ऐसी जगह पर रोकने के लिए फिर वो हमें रिटेनिंग वॉल की जरूरत पड़ती है। या किसी जगह पर ये कि जैसे मैं बता रहा था, जरूरत ही नहीं है मसलन उससे ज्यादा कि एक रेलवे लाइन किसी जगह से गुजारनी है। रेलवे लाइन की एक खास चौड़ाई होती है, उससे थोड़ा सा साइड्स पर राइट ऑफ वे छोड़कर उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं होती। तो वहां पर अगर उसको गहराई में से गुजरना है रेलवे लाइने, तो वहां पर रिटेनिंग वॉल बना दी जाएगी। अगर कोई सड़क बनानी है, रोड बनानी है,
तो वहां पर भी रिटेनिंग वॉल बना दी जाएगी ताकि रोड की जितनी विड्थ रखनी है उससे ज्यादा हमें एक्सकेवेशन की जरूरत ही ना पड़े। आप बेसमेंट्स, आजकल बिल्डिंग्स में बेसमेंट्स बहुत होती हैं, और बेसमेंट्स जिस प्लॉट में बिल्डिंग बनाई जा रही है वो अपनी बेसमेंट वहाँ बिल्कुल प्लॉट की बाउंड्री तक ले आते हैं, और जब उसके लिए एक्सकेवेशन की जाती है तो वो साइड वाले प्लॉट, जो प्लॉट होता है, प्रॉपर्टी होती है, वहां से नीचे को गिर पड़ता है, तो उसको रोकने के लिए भी फिर रिटेनिंग वाल ही बनाई जाती हैं। रिटेनिंग वॉल या अपने तौर पर ऐसी हो सकती है जो अपने तौर पर खड़ी रह सके, या ये किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। अपने तौर पर खड़ी रहने वाली रिटेनिंग वॉल मसलन किसी रोड के साथ अर्थवर्क को रिटेन करने के लिए दीवार जाए बनाई जाए तो वो किसी और चीज पर सपोर्टेड नहीं होगी, उसको किसी और स्ट्रक्चर का सहारा नहीं होगा। तो ये ऐसी रिटेनिंग वॉल्स को फ्री स्टैंडिंग रिटेनिंग वॉल कहते हैं। यहाँ आपके नजदीक ही आप अगर देखें, अगर ठोकर चौक से आप नहर के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ आने के लिए जब सड़क पर आ रहे होते हैं तो रोड के लेफ्ट साइड पर आप जहाँ पर हॉस्पिटल या कोई दूसरी बिल्डिंग्स हैं वहां पर आप देखते हैं कि वो गहराई में है, तो वहाँ रोड के साथ साथ एक वाल बनी हुई है, वो रिटेनिंग वाल है। जो ये वो एक रिटेनिंग वाल है जो उस रोड के अर्थवर्क को रिटेन करने के लिए बनाई गई है। अगर वो रिटेनिंग वाल यहाँ ना होती तो इधर से सॉइल या अर्थवर्क साइड की तरफ गिर जाता। अगर या इसको स्ट्रक्चर के तौर पर भी जैसे मैं बताया था बनाया जा सकता है, जैसे बिल्डिंग की रिटेनिंग वॉल है वो स्ट्रक्चर के साइड पर होगी। इन दोनों केसेस में अगर ये बिल्डिंग के किसी स्ट्रक्चर के पार्ट तौर पर हो या फ्री स्टैंडिंग हो, दोनों केसेस में मकसद एक ही है, और दोनों जब जब भी किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं हम देखते हैं कि इस पर फोर्सेस किस तरह की आ रही हैं, तो उन फोर्सेस को इसमें इसी रिटेनिंग वॉल में कौन सी फोर्सेस आती हैं, इस पर जिस मटेरियल को इसने रिटेन किया हो गया है, अर्थवर्क हो या कोई लिक्विड हो, उसका लेटरल सॉइल प्रेशर होता है। तो उस लेटरल सॉइल प्रेशर के लिए डिजाइन किया जाता है। लेटरल सॉइल प्रेशर डेप्थ के साथ साथ ज्यादा होता जाता है, तो इसलिए जितनी ज्यादा या हाइट रिटेनिंग वॉल की होगी उतना ही उसका मुताबिक उसको ज्यादा फोर्सेस के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। पहले हम लेते हैं फ्री स्टैंडिंग रिटेनिंग वॉल्स। ये तीन चार तरह की होती हैं। एक है ये, इसको कहते हैं हम ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स का मतलब यह है कि ये रिटेनिंग वॉल अपने वजन पर खड़ी रहती है, और इनको बनाई जाती है, किसकी बनी होती है, ज्यादातर ईंटों या स्टोन्स, स्टोन वर्क से, वेयर से बनाई जाती है। इसमें कोई रिइंफोर्समेंट नहीं डालते। इसका क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि ये अपने वजन पर ही लेटरल प्रेशर को मेंटेन कर सके।
अब इस फिगर में आप देख रहे हैं लेटेंट प्रेशर साइड पर आ रहा है, टोटल प्रेशर है पी, और इसको वर्टिकल लोड है डब्ल्यू। अब ये लेटेंट प्रेशर इसको उल्टाने की कोशिश करेगा और डब्ल्यू इसको रिटेन करेगा, तो डब्ल्यू वजन ही इतना ज्यादा होगा कि उस प्रेशर को विदस्टैंड कर लेगा। ऐसी रिटेनिंग वाल को कहते हैं ग्रेविटी रिटेनिंग वाल। ये मेसनरी से, जैसे मैं बताया, बनाई जाती है और इसमें कोई रिइंफोर्समेंट नहीं डालते, सिर्फ अपने वजन के बेस पर ही ये अपनी जगह पर मेंटेन रहती है। उसके अलावा दूसरी वाल्स होती हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल, जैसे नाम से जाहिर है, ये कैंटिलीवर होता है। ये यहाँ देखिए, ये दीवार है इस तरह, और इसके नीचे बेस है। ये जब भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये आपकी यूनिवर्सिटी के पास जिस बनी हुई दीवार का जिक्र किया था, वाल का, वो रिटेनिंग वाल इस टाइप की है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। अब ये इसमें किया ये जाता है कि एक साइड से एक्सकेवेशन करके काफ़ी नीचे जाकर उसकी बेस बनाई जाती है, और ऊपर फिर वाल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वाल को हम स्टेम कहते हैं। ये स्टेम बेस में फिक्स होता है, और जब लिटिल सॉइल प्रेशर एक्ट करता है तो ये ऐसे इस तरफ को वर्टिकल स्टैंडिंग कैंटिलीवर के तौर पर इस तरीके से, और ये कैंटिलीवर के तौर पर डिजाइन की जाती है। बेस पर डिपेंड करता है कितनी विड्थ रखनी है। कई दफा ये होता है कि दूसरी तरफ किसी वजह से हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो एक ही साइड को, स्टेम के एक ही साइड पर एक्सटेंड होती है। इसको आप देख लें, इस शेप ये इन्वर्टेड टी, टी की लेटर को उल्टा रख दिया गया है, तो इसको इन्वर्टेड टी शेप कहते हैं। और ये दूसरी जिसमें सिर्फ एक साइड पर एक्सटेंड होती है, इसको एल शेप्ड कहते हैं। क्रॉस सेक्शंस इन दोनों किस्म की रिटेनिंग वाल के ये हैं, और ये आप देखें, ये थ्री डायमेंशनल भी हैं उन्हीं के, उसी वाल के, वो बेस और स्टेम टोटल मिलकर ये रिटेनिंग वाल बनती है। ये साइड है जिस पर अर्थ रिटेन हुई है, और ये दूसरी साइड है। फिनिश फ्लो लेवल से एक्सकेवेशन करके उसे नीचे बेस बनाकर उसके ऊपर फिर वो दोबारा ओपन साइड पर फ्लोर लेवल तक ले आते हैं। जैसे मैं बता रहा था, इस मेन वाल जो है इसको हम स्टेम कहते हैं, और इसको बेस में फिक्स करना होता है। बेस का मकसद क्या है? स्टेम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। अब यहाँ देखें कैसे बेस स्टेबल कैसे होगी। इस साइड पर, स्टेम के इस साइड पर इसने अर्थ को रिटेन किया गया है, तो ये इस सारे अर्थवर्क का वजन भी, वेट, यहाँ पर बेस के इस साइड पर रखता है, तो ये इसको अपनी पूरे स्ट्रक्चर को अपनी जगह पर खड़ा रखता है। इसी तरह यहाँ भी इसी तरह होता है। इस किस्म की रिटेनिंग वाल में इस अर्थवर्क का वेट बेस, यहाँ बेस के ऊपर आ रहा है, और इसकी वजह से ये पूरी सिस्टम अपनी जगह पर कायम रहता है। अब आप देखिए, ये कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर जितना ज्यादा होगा, उतनी हमें स्टेम की थिकनेस ज्यादा रखनी पड़ेगी। ये एक कैंटिलीवर वाल है, तो इसकी थिकनेस को हम इसी जितनी हाइट है उसके मुताबिक ही
रखेंगे, जितनी हाइट ज़्यादा है उतनी इसकी थिकनेस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और अगर हाइट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है इसका मतलब है कि ये थिकनेस बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। तो ऐसे केस में कुछ स्ट्रक्चर सिस्टम डिफरेंट करते हैं ताकि ये कैंटिलीवर ना रहे बल्कि किसी और किस्म की स्लैब बन जाए। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये इस फिगर में देखें, इस स्टेम के इस साइड पर स्पोर्ट्स बना दी गई हैं और ये स्पोर्ट्स इधर भी हो सकती हैं, ये बाहर से देखने से नज़र नहीं आती क्योंकि ओपन साइड वो नहीं है, लेकिन इसमें देखें ये ओपन साइड पर हैं, इसमें ये ओपन साइड पर हैं। इस तरह की आपने कई जगह पर बनी हुई देखी होंगी इस तरह की स्पोर्ट्स। इवन आप रेजिडेंशियल एरियाज में भी अगर एक साइड का प्लॉट बहुत डेप्थ पर है, गहरा है, दूसरी साइड के साइड पर बाउंड्री वाल है, तो उसको इधर गिरने से रोकने के लिए भी ऐसे स्पोर्ट्स बना दी जाती हैं। मकसद दोनों का एक ही है। तो अगर ये पथवर्क में एम्बेडेड साइड हो तो इनको काउंटर फोर्ट्स कहते हैं और ऐसी वाल को कहते हैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल, और अगर ये ओपन साइड पर हैं तो इसको इन स्पोर्ट्स को कहते हैं बटरेसिस और इसको कहते हैं बटरेस रिटेनिंग वाल। अब दोनों में इसमें मसलन होता ये है कि बजाय कैंटिलीवर के स्लैब को देखें, अगर ये स्टेम जो कि स्लैब है इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के दरमियान ऐसे स्पैन कर रहा है, इस तरह भी इस सपोर्ट के दरमियान ऐसे है, और ये एक किस्म की वन वे स्लैब के तौर पर जिसमें मेन स्टी इधर से ऐसे बेंडिंग होगी, ऐसे इस शेप में बेंडिंग होगी इसकी। तो इसको वन वे स्लैब के तौर पर, इस स्टेम को वन वे स्लैब के तौर पर देखा जाता है और ये सपोर्ट्स जिनको हम काउंटर फोर्ट्स या इधर बटरेसेस कहते हैं ये कैंटिलीवर बन जाती हैं जो बेस के ऊपर फिक्स्ड हैं। इधर से जब सॉइल प्रेशर एक्ट करेगा तो ये कैंटिलीवर बनेगी, ये एक किस्म की कैंटिलीवर बीम्स हैं जिनके ऊपर ये स्लैब का लोड आ रहा है। जब सॉइल इधर इस स्टेम को इधर को पुश करेगी तो इसकी वजह से जो फोर्सेस आएंगे ये काउंटर फोर्स इनको उधर जाने से रोकेगी, तो ये खुद कैंटिलीवर के तौर पर एक्ट कर जाएंगे जिसका ये फिक्स्ड एंड होगा, ये फ्री एंड होगा। तो ये मैं दोबारा बताऊँ, ये कब जरूरत होती है इनकी, ये जब स्टेम की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर कभी 7-8 meter हाइट की रिटेनिंग वाल बनानी पड़ जाए तो उस सूरत में इसके स्टेम की थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, तो इस वजह से फिर कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल की बजाय काउंटर फोर्ट या बटरेस रिटेनिंग वाल बनाई जाएगी। अब आते हैं इधर कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल, इसको हम पहले डिटेल में देखेंगे। रिटेनिंग वाल का बेसिक फंक्शन तो वही है जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि अर्थवर्क को रिटेन करना है। तो फिर ये इसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितना अर्थ प्रेशर आ रहा है उसको, उसकी वजह से जो प्रेशर है उसको रिटेन कर सके, या कोई और भी किसी वजह से प्रेशर आ रहा है अर्थवर्क के अलावा उसको भी ये रिटेन कर।
और ये अर्थ पर दूसरे लोड्स इस तरह से एक्ट करते हैं, कई दफा तो ये है कि ये अर्थ पर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, यहाँ देखें इस केस में देखें अर्थवर्क इधर से, और ऐसा हो उन रिटेनिंग वाल्स में जो होता है जो हिली एरियाज में बनाई जाती हैं, ये वाल बनी हुई होती है, इसके ऊपर पीछे स्लोपिंग सरफेस होती है। तो इस सूरत में सॉइल प्रेशर इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, सॉइल प्रेशर की डायरेक्शन इसके पैरेलल होगी अर्थ सरफेस के। तीसरी रिटेनिंग वाल, ये बहुत कॉमन है और ये उस तरह की रिटेनिंग वाल है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके यूनिवर्सिटी के पास है कि ये रिटेनिंग वाल है, इधर ये रोड सरफेस है, इसके ऊपर ट्रैफिक चल रही है, तो ये ट्रैफिक सॉइल के ऊपर नीचे को करती है और उसकी वजह से सॉइल जो लेटरल प्रेशर एडजस्ट कर रही होती है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस पहले वाली और तीसरी वाल रिटेनिंग वाल में ये एडिशनल प्रेशर आ जाता है जैसे इस फिगर में शो किया गया है। तो ये तीन तीन तरह से सॉइल प्रेशर एक्ट करता है, सॉइल प्रेशर या किसी और मटेरियल का प्रेशर, लिक्विड का भी प्रेशर, ये इसकी वेरिएशन इस तरह होती है कि टॉप पर मिनिमम होता है और डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज करता जाता है और मैक्सिमम इसकी बेस पर होता है। इन तीनों केसेस में ऐसे ही होगा, फर्क ये है कि जब ये ट्रैफिक का लोड, इस लोड को सरचार्ज लोड कहते हैं, तो इसमें टॉप पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा, प्रेशर टॉप से स्टार्ट हो जाएगा। ये पहली और तीसरी में डिफरेंस देखें, इसमें थोड़ा सा प्रेशर टॉप पर भी है, इसमें पहले वाली में नहीं है। अच्छा, अब ये तीन केसेस मैं बता रहा हूँ, पहले केस में अर्थ रिटेंड हॉरिजॉन्टल, सॉइल प्रेशर की हॉरिजॉन्टल है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जीरो टॉप पर, मैक्सिमम बॉटम एंड। दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, इंक्लाइंड है, तो इसमें सॉइल प्रेशर भी इंक्लाइंड है। थर्ड केस भी मैं आपको बता चुका हूँ, अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टल है लेकिन वर्टिकल लोड, इसको सरचार्ज लोड कहते हैं, ये हमेशा एक्ट कर रहा होता है, तो ये भी लेटरल प्रेशर। तो इसके डिजाइन में इसको प्रेशर को भी देना पड़ता है। अब इस ये फिगर देखें, ये एक टिपिकल दूसरी और तीसरी टाइप्स, इनकी इकट्ठी फिगर है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए रोड कटिंग में बनाई गई है, एक्चुअली ये हिल इस तरह यहां से सरफेस थी, इसको यहां से कटिंग करके ये रोड निकाली गई है। अब इस रोड को इधर गिरने से, यहाँ इधर गिरने से रोकने के लिए ये रिटेनिंग वाल यहाँ बनानी पड़ी है, और यहाँ रिटेनिंग वाल ये साइड पर से ऊपर से फर्दर लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए बनानी पड़ी। तो ये रिटेनिंग वाल उस तरह की है जिसमें ये सॉइल प्रेशर इंक्लाइंड होगा क्योंकि सरफेस इंक्लाइंड है, और इस पर सॉइल प्रेशर इस ट्रैफिक के लोड के साथ भी आएगा जिसको सरचार्ज लोड वाला के साथ कहेंगे। ये इकट्ठी साइमल्टेनियसली दोनों वॉल्स एक तरह की ही हैं, एक ही फिगर में मैंने शो कर दी हैं। दिस इज विद सरचार्ज और दिस इज
दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सरचार्ज. एट प्रेशर ये बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, अर्थ प्रेशर का कैलकुलेट किया किस तरह किया जाता है. अर्थ प्रेशर लेटरल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है और ये डिपेंड करेगा सॉइल की डेंसिटी पर और साथ साथ सॉइल की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर कहते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ दी सॉइल पर. तो पहले उस वो कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसको यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ सॉइल प्रेशर में. इंटेंसिटी ऑफ सॉइल प्रेशर के लिए ये फार्मूला है. इंटेंसिटी ऑफ सॉइल प्रेशर दिस इज ए, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव. इसको जब सॉइल वाल को पुश करती है तो उस अर्थ प्रेशर को हम एक्टिव अर्थ प्रेशर कहते हैं. और कई दफा ऐसे होता है कि वाल सॉइल को पुश करती है, उसको पैसिव अर्थ प्रेशर कहते हैं. तो ये एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसका फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इनटू सॉइल की डेंसिटी इनटू हाइट डिस्टेंस एच फ्रॉम टॉप. कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल प्रेशर, एक्टिव सॉइल प्रेशर, इसका फार्मूला है कॉस थीटा माइनस कॉस केयर थीटा माइनस कॉस केयर फाई ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस केयर थीटा माइनस कॉस केयर फाई थीटा. ये एंगल है जिससे पिछली फिगर में मैंने लिखा हुआ है, देखें ये एंगल है और फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जिसको एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं. एंगल ऑफ रिपोज आपसे पूछे कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी चीज का एंगल ऑफ रिपोज कैसे पता चलेगा. आप देखते हैं किसी चीज का ढेर लगाते हैं, अनाज का ढेर लगाते हैं, सॉइल का ढेर लगाते हैं, तो ये अपने तौर पर क्यों नहीं खड़े रहते, साइज की तरफ गिर जाता है और एक नेचुरल स्लोप बना लेता है. वो जो एक नेचुरल स्लोप बनती है उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं. तो ये फार्मूला है इसका, कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा माइनस कॉस. अब इससे जब फार्मूले में एच आता है, जहां एच जीरो है यानी टॉप पर, तो ये प्रेशर जीरो होगा और जहां बेस पर एच मैक्सिमम है यहां प्रेशर भी मैक्सिमम होगा. तो इसमें फिगर में कैपिटल एच जो शो किया हुआ है वो है मैक्सिमम हाइट और स्मॉल एच जो है वो मतलब है एनी हाइट वेरिएबल है. तो इट विल बी मैक्सिमम एट द लोअर एंड ऑफ द वॉल वेयर स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच पी ए मैक्सिमम. ये है इंटेंसिटी ऑफ सॉइल प्रेशर जिसका फार्मूला होगा किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. आप इसको देखें डेंसिटी के ये तो कोएफिशिएंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है. ये होगा डेंसिटी है किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और इसको एच है मीटर. इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एक कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. तो ये है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर.
एक मीटर अलोंग दी हाइट और एक मीटर अलोंग दी लेंथ, वो जो एरिया बनता है 1 square meter, उस पर ये प्रेशर एक्ट कर रहा है। और जब ये हॉरिजॉन्टल हो उस केस में थीटा जीरो हो जाएगा। उस फार्मूले में ऊपर की फिगर में मैंने बताया था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सॉइल सरफेस थीटा है, तो वो जीरो हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट बन जाएगा 1 minus sin phi over 1 plus sin phi। तो इसका फार्मूला हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेंसिटी ऑफ सॉइल इंटू एच इंटू 1 minus sin phi over 1 plus sin phi, और मैक्सिमम होगी फिर डेंसिटी ऑफ सॉइल इंटू कैपिटल एच यानी मैक्सिमम एच 1 minus sin phi over 1 plus sin phi। सरचार्ज लोड अगर है उस सूरत में इसमें इस प्रेशर में सरचार्ज लोड भी ऐड हो जाएगा। तो या तो इस तरह करते हैं कि इसमें सरचार्ज लोड ऐड करते हैं क्योंकि ज्यादा, या दूसरा तरीका इसके लिए ये किया जाता है कि ज़ूम कर लेते हैं सिर्फ कैलकुलेशन की खातर के सॉइल की इसकी वाल की हाइट थोड़ी सी ज्यादा के लिए इमेजिनरी हाइट एच डैश एच एस ओवर डेंसिटी ऑफ सॉइल एस इज सरचार्ज लोड, ये होगा किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और ये किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ये एच डैश का यूनिट आ जाएगा मीटर्स में। तो हाइट सपोज 4 meters के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं और ये आ जाता है हमारे पास 1 या 0.75। तो हम समझ लेंगे कि हम 4 meters वाल की हाइट की बजाय 4.7 meters की हाइट की वाल डिज़ाइन कर रहे हैं। हम डिज़ाइन उतने के लिए करेंगे लेकिन ड्राइंग में एक्चुअल जितनी है उतनी शो करेंगे, उसके ऊपर का हिस्सा ड्राइंग में शो नहीं करेंगे। ज़्यादा वाल वाली हाइट डिज़ाइन कर लेते हैं लेकिन बनाते उतनी हैं जितनी एक्चुअल होनी चाहिए। तो इफेक्ट तो उसका एक ही आएगा, जब प्रेशर ज्यादा है फिर भी हमें वाल की स्ट्रेंथ ज्यादा रखनी पड़ेगी, अगर हाइट ज्यादा है फिर भी वाल की स्ट्रेंथ ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ से इसका तरीका और इमेजिनरी विजनरी तरीका दिया गया है। बेंडिंग मोमेंट्स आर कैलकुलेटेड फॉर हाइट एच प्लस एच डैश बट एक्चुअल हाइट कंस्ट्रक्टेड इज एच। ये एच डैश एस ओवर डेंसिटी किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में है और ये उसको ऊपर से डिवाइड करें तो इसका यूनिट मीटर्स में आ जाएगा। अब कोई भी स्ट्रक्चर आप डिजाइन करें तो वो स्टेबल होनी चाहिए, तो वाल में भी इसी तरह है, इंटरनल स्टेबिलिटी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। इंटरनल स्टेबिलिटी हम कहेंगे देखें वाल के क्लियर कट 2 पार्ट हैं, स्टेम है और बेस है। स्टेम की अपनी जगह पर स्ट्रेंथ हो जितनी उस पर फोर्स आ रही है, बेस पर जितनी फोर्स आ रही है उसकी अपनी स्ट्रेंथ हो, इसको कहते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी। इंटरनल स्टेबिलिटी पर्टेन्स टू पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, वाइल एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की सारी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है और कहीं से ज्यादा फोर्स आ जाती है, कोई भी वजह हो सकती है, तो सारे का सारा स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाता है। तो ऐसे करना हो इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। तो ये दोनों चेक्स करने पड़ते हैं, रिटेनिंग वाल में इंटरनल स्टेबिलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी।
जब कभी अब थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल में, इसका टिपिकल सेक्शन इस तरह का होता है, ये स्टेम और ये इसकी बेस है या फाउंडेशन भी कह दें, फुटिंग कह दें, तो ये मिलकर रिटेनिंग वाल बनती है। इसको हम वाल कह दें, जिसको कहते हैं टटने के लिए, इसको स्टेम कहा जाता है, आर्म भी कह देते हैं। बेस के अगर ये इन्वर्टेड टी शेप्ड है तो दो पार्ट्स हैं, एक साइड जो है वो जिधर अर्थ रिटेंड है उसके नीचे दबी हुई है, इस साइड को हील कहते हैं, और एक है जो बाहर को प्रोजेक्टेड है, इसको टो कहते हैं। अगर ये एल शेप्ड है तो उसमें टो नहीं होगी, सिर्फ हील होगी। तो बेस को आमतौर पर हाइट का 0.5 to 0.75 H ऑफ दिस बेस को इसका ले लिया जाता है, 0.5 से लेकर 0.7 तक। अगर ये 1 मीटर है तो ये 0.5 मीटर से 0.7 मीटर तक होगी, उसका 1/4 to 1/3 ऑफ बेस, ये इतना खींचा टो और दरमियान से फिर टी थिकनेस निकाल कर और बाकी पीछे का हिस्सा हील। हील आमतौर 60 to 70% होता है पूरी विड्थ का। स्टेम एक कैंटिलीवर स्लैब के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, तो इसकी थिकनेस होगी, इसका खास प्रोपोर्शन होगी हाइट के साथ, जितनी हाइट ज्यादा होगी ये थिकनेस भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ये 1/10 to 1/12 ऑफ हाइट, इतनी इसकी थिकनेस रखी जाती है। हील की थिकनेस इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो ये स्टेम की थिकनेस से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं बता रहा था